जानो विराग, जल्दी से आ जाओ प्लीज। हेलो श्रुति, देखो मुझे पता है तुम श्रुति बोल रही हो, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने देखा है तुम्हारा जब मन होता है तुम विराज सर को फोन कर देती हो, ना दिन देखती हो ना रात। हेलो बोलो, किस लिए फोन किया है? तुम विराट की वाइफ बोल रही हो ना? हाँ मैं विराट सर की वाइफ हूं। प्लीज विराट को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। किस बारे में? क्या बात है शिवा, तो ठीक तो है ना? तेरी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है जो तू किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता? देख तुझे जो भी प्रॉब्लम है तो हमें बता, हमारे साथ शेयर कर। तू जानता है ना कि तेरा ये जीवा सब कुछ संभाल लेगा। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। क्या विराट दादा सच बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं यार, बस थोड़ी काम की टेंशन है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। हेलो कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो। हेलो चुप क्यों हो, बोलो ना। सही किस पे चला रही है? इस जंगली मुर्गी को क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ मुझे भी तो बताओ, तुम मेरे पति को बार बार फोन क्यों करती हो? सही मेरा फोन दे दो। सही भाड़ा क्या हुआ है, किसका फोन है? सही विराट के फोन पे कॉल आया है, उसे बात करने दो। ये क्या मैनर्स है? बस इस मामले में आप नहीं बोलेंगी बाकी दीदी, कुछ भी नहीं प्लीज। किससे बात कर रही है? बोलो श्रुति। श्रुति श्रुति श्रुति, तुमने विराट सर को फोन क्यों किया?
और तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना। सही, मुझे मेरा फोन चाहिए अभी के अभी। बोलो श्रुति, तुम उनके दोस्त की बीवी हो ना, तो फिर उन्हें फोन क्यों करती हो? तुम्हारी बीवी को ये सब पता है? हर किसी को हर चीज बताई जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं अपनी बीवी को पहले ही समझा चुका हूँ, अगर किसी की लाइफ की सेफ्टी मेरे कुछ कहने या छुपाने पर टिकी हो तो मैं बिना पछतावे के वो बात छुपा लूंगा। क्या क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? मैं कौन हूँ, मेरे हालात क्या है? ये कैसा सवाल हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि नहीं? अफकोर्स मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मेरे पति मुझे सब कुछ बताते हैं। हमारे बीच में कोई राज नहीं है, बेवी हूं मैं उनकी, और वो अभी भी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो तुमने उन्हें फोन क्यों किया है, क्या काम है? सही वहनी को पता चल गया कि विराट दादा ने होटल में खुद को और उस औरत को मिस्टर एंड मिसेस चव्हाण के नाम से रजिस्टर किया था तो क्या होगा? बोलो श्रुति, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? कभी कभी वक्त ऐसा खेल खेल देता है कि जो दो लोग आपस में सब शेयर करते हैं उन्हें भी एक दूसरे से कुछ बातें छुपानी पड़ती। विराट के साथ भी वक्त ने ऐसा ही खेल खेला। नहीं जानती हो, प्लीज विराट को फोन दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है श्रुति जो तुम्हें लगता है विराट सर ने मुझे नहीं बताई होगी? मुझे लगता है तुम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, मत दो फोन विराट को, पर उसको इतना बोल देना कि अगर हालात बिगड़े ना तो जिम्मेदार मैं नहीं वो होगा, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो इल्जाम मुझ पर नहीं उस पर आएगा, और शायद तुम पर भी। शिवा, ये श्रुति कौन है? जीवा, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, तो प्लीज यार तू तुमने फोन काट दिया, श्रुति का फोन काट दिया, मुझे बात करनी थी उसके साथ। क्या कहा उसने? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? वो क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात छुपा रही है वो मुझसे? सही, तुमने मेरा फोन मुझे क्यों नहीं दिया? क्यों फोन काट दिया? अरे बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ, उसने उस वक्त कॉल क्यों किया जब आप मेरे साथ मेरा रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बात करनी है उसे आपसे, लेकिन उसने फोन काट के कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अरे क्यों? सही, मेरा फोन दे दो, प्लीज फोन दे दो, जल्दी फोन दे दो। फोन फोन यही के फोन? हे, क्या करते तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? फोन क्यों फेंका? जंगली मुर्गी गुटली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है? आपको नजर आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हर रोज। सही सही दिगबाड़ा, तुम नहीं जा सकती बेटा, आज का दिन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जश्न है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आई प्लीज, अब मुझसे सवाल मत कीजिए, अपने बेटे से सवाल कीजिए। सही, सॉरी आई। वीरू, तूने सही को गुस्सा दिला दिया ना? क्यों दिलाया तूने सही को गुस्सा? जो वो पूछ रही उसका जवाब दे, दे ना, वो
ताई तू प्लीज मेरे मामले में कुछ मत बोल, मत पढ़ना इस सब में, छोड़ना। शिवा, तुम देवी ताई से कैसे बात कर रहे हो? विराट तुम्हें हो क्या गया है बेटा? विराट ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें हम सबको बताना होगा। बाबा मेरा यकीन कीजिए, अगर मैं बता सकता तो बता देता, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, प्लीज समझिए।